हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो कल था रक्षाबंधन, आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। और मैंने एक वीडियो बनाई थी, पता नहीं वो वृंदावन में कैसे मेरा हाथ लगा क्या हुआ, पूरी वीडियो डिलीट हो गई। तो अब जब डिलीट हो गई तो करिए क्या सकते हैं, जैसी बिहारी जी की मर्जी। वीडियो डिलीट हो गई तो क्या करें, बड़ी अच्छी वीडियो बनाई थी मैंने मगर डिलीट हो गई। और कल का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। कल रक्षाबंधन में करीब 4 साल से जा रही हूँ राखी बांधने के लिए बिहारी जी को। और कल कुछ ऐसा हुआ कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी बिहारी जी में, ज़्यादा भीड़ थी। ऐसे तो मुझे वृंदावन में उतनी भीड़ नहीं दिखी जितनी हर बार दिखती है, क्योंकि जो लोग गए भी छुट्टियाँ थी तो पहले जाके वापस आ गए, तो उतनी भीड़ नहीं थी। मगर बिहारी जी में कल बहुत भीड़ थी, भयंकर वाली भीड़ लगी हुई थी। और मैं भी कल ऐसा कुछ हुआ कि बिहारी जी मतलब दर्शन तो कर लिए, बट जो आगे पहुँचते हैं ना वहाँ तक नहीं जा पा रही थी। और जैसे जाने कोशिश करी तो धक्के धक्के में किनारे आ गई उस वाले गेट से जिससे बाहर निकलते हैं। तो मुझे लगा कि अब की बार तो राखी हमको अब तक पहुँच ही नहीं पाएगी बिहारी जी तक। तो मैं राखी लेके कोने में खड़ी हो गई। वो एक्सपीरियंस क्या है बता नहीं सकती अब, जो मतलब कितना अच्छा लग रहा था उस टाइम। मैंने आपसे ये कहा कि अपने आप ही मैं बोल रही थी कि अब यहाँ तक तो मैं आ गई हूँ, आखिर अब अगर राखी आपको बनवानी है तो अब आ पाओ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था मैं जा पाऊँगी, क्योंकि इतनी भीड़ धक्का और जो वहाँ के सेवादार वगैरह थे वो सबको हटा रहे थे मतलब बहुत जल्दी जल्दी सब, अगर जल्दी ना करें ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाए। तो मुझे लगा कि अब नहीं जा पाएंगे। पता नहीं कैसे एकदम से धक्का आया और मैं सीधे ऊपर पहुँच गई, जो रेलिंग बनी बिहारी जी की एकदम सीधे वहीं जाके खड़ी हुई। बहुत अच्छे से मेरे सामने बिहारी जी को उन्होंने, पंडित जी जो थे उन्होंने राखी चढ़ाई, प्रसाद मेरा चढ़ाया और मुझे प्रसाद दे दिया। तो मुझे इतना अच्छा लगा वो एक्सपीरियंस, बातों में नहीं बता सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जिनका सिर्फ अनुभव आप कर सकते हो। मतलब जब नहीं पहुंच पा रही थी ना तो मेरे दिन में क्या हो रहा था वो सब चीज़ें आप शेयर करने की चीज़ें ही नहीं बता सकती आपको। बहुत अच्छा लगा। तो मैंने वृंदावन से कुछ चीज़ें खरीदी थी अपने माधव के लिए, तो मैं वो आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं लाई हूँ अपने लड्डू गोपाल माधव के लिए ये 4 खाने का टिफिन। देखिए ये टिफिन 4 खाने का है, 1, 2, 3, 4। इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह करके रख देंगे कि जैसे कभी हम भोग नहीं लगा पा रहे हैं, मान लो कहीं गए हैं तो लड्डू गोपाल को भूख लगेगी तो निकाल के खा लेंगे आराम से। इसके लिए मैं टिफिन लेके आई थी कि इसको भर के माधव के पास वहीं पर रख देंगे। तो कैसा लगा मेरा छोटू सा टिफिन मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए मुझे बड़ा अच्छा लगा था, पिछली बार मैंने देखा था तब सोच रही थी लेंगे मगर उस टाइम नहीं ले पाई। और ये मैंने बिहारी जी के पास से नहीं लिया था, ये परिक्रमा कर रही थी रास्ते में, एक दुकान थी वहाँ से लिया था। तो ये लिया और उनके पास भैया के पास जो जिनकी दुकान थी, भगवान जी के बर्तन बड़े सुंदर सुंदर थे, बहुत सुंदर सुंदर बर्तन थे। ये टिफिन लिया और उसको देख के एक एक कटोरी थाली चम्मच ये ऐसे ही ले लिया, जबकि ये वाले मेरे पास पीतल के हैं कटोरी चम्मच थाली, मगर बड़े छोटे छोटे अच्छे लग रहे थे तो मैंने ले लिया, मुझे अच्छे लग रहे थे। ये ग्लास और इसकी क्वालिटी भी बढ़िया है, दबता नहीं बिल्कुल, चाहे जितना दबा के देख लो दबते नहीं, बढ़िया इसकी क्वालिटी। और सबसे तो बढ़िया इसका चम्मच है एकदम छोटू सा। कैसा लगा आपको ये दोनों चीज़ें, आपको कैसे लगे कमेंट के बताइएगा। मुझे टिफिन सबसे सुंदर लगा, टिफिन मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा माधव का टिफिन मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये जन्माष्टमी में लड्डू गोपाल का गिफ्ट हो गया। और जन्माष्टमी के लिए कुछ कपड़े लेके आई हूँ वो आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले लाई हूँ राधा माधव दोनों के लिए एक ब्लू कलर की ये ड्रेस, इस तरीके से है, दिख रही है आपको? इसमें कलर उतना बढ़िया नहीं आ रहा मगर बहुत अच्छा कलर है इसका। ये जो एक माधव की एक राधा की दोनों की एक जैसी ड्रेस है, ये देखिए पूरा इसमें मोती का और स्टोन का वर्क है। ये देखिए तो ये आपको कैसी लग रही है कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये दो जोड़ी कपड़े लाए थे, एक राधा का एक माधव का। तो एक जन्माष्टमी में पहन आएंगे और एक छठी में, छठी करते हैं ना तो एक छठी वाले दिन के लिए। तो एक ये जन्माष्टमी पे, क्योंकि राधा जी को ब्लू बहुत पसंद है तो इसलिए मैं ब्लू लेके आई थी। ये कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। और दूसरी ड्रेस ले आई थी ये पूरी इस तरीके की, दोनों के लिए, एक राधा के लिए एक माधव के लिए।
ये आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। एक ये हो गई राधा जी की और एक ये है माधव की। एक मैंने निकाल दी है, ये कभी पॉलिथीन में नहीं है क्योंकि दोनों को एक जैसे कपड़े पहनाते हैं मैचिंग मैचिंग के, इस चक्कर में दोनों के एक जैसे आते हैं। तो ये आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और दो पगड़ियाँ आए हैं, एक छठी वाले दिन के लिए और एक इसके लिए जन्मदिन के लिए। तो एक है ये येलो और पिंक में, ये ऐसी है ना मल्टी कलर में सब पे चल जाएगी, इस चक्कर में ले ली थी मैंने। और इसमें मोर पंख भी लगा हुआ है तो अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इधर उधर दो ये लटकन लगी हैं। कैसी लगी मेरी पगड़ी, मेरी पगड़ी नहीं मेरे माधव की पगड़ी, तो कमेंट करके आप बताइएगा। एक ये थी, ये मल्टी कलर में ले आए थे कि सब पे चल जाएगी। और एक लाई थी ब्लू कलर की, क्योंकि ड्रेस ब्लू लाई थी, इस चक्कर में एक ब्लू कलर की पगड़ी लेके आई थी क्योंकि ड्रेस से मैच कर जाएगी। तो ये एक पगड़ी लेके आई थी, ये आपको कैसी लगी ब्लू कलर वाली, को भी कमेंट करके बताइए। देखने में एक जैसी है मगर थोड़ा कलर चेंज है, इसलिए ले ली थी क्योंकि ब्लू ड्रेस थी तो मैंने कहा ब्लू पगड़ी भी ले लेते हैं। और कड़े बहुत सारे हो गए, हर बार लाते हैं ना तो बहुत सारे हो गए। कोई रात ज्वेलरी बॉक्स माधव का भरा हुआ है, पिछली बार जब गई थी पिछली पूर्णिमा पे तो गले के लाई थी दो दो जोड़ी हार, तो वो रखे थे तो वो इस बार लेके नहीं आई, पूरा उनका ज्वेलरी बॉक्स भर गया है, अब जगह नहीं है। मगर फिर भी ये दो जोड़ी कड़े ले आई थी पीले कलर के, ये वाले एक हो गया था तो ये दो जोड़ी कड़े लेके आई थी। बाकी वो पहने तो चांदी के हैं मगर ये भी पहना देते हैं तो अच्छे लगते हैं। बाकी दोनों लोग चांदी के कड़े, चांदी के पायल दोनों लोगों के पास हैं मगर फिर भी ये पहनाते अच्छे लगते हैं, इसलिए ले आई थी ये दो कड़े। और एक ये ड्रेस लाई थी छोटी सी, एक लोगों ने मंगाई थी उनके लिए लेके आए थे। ये कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। एक ये लाए थे और एक ये वाली लेके आए थे, ये थोड़ा सा बड़ी है। और एक ये सब गिफ्ट देने के हैं, एक दो लोगों ने मंगाई थी तो ऐसे खरीद लाए थे उनको देने के लिए। उसी के साथ एक पिंक कलर की पगड़ी लेके आए थे, ये बड़ी छोटी सी बड़ी अच्छी लगती है। और एक ये छोटी सी पगड़ी, एक लोग बहुत छोटे से लड्डू गोपाल हैं उनके लिए लाई, उनको देने के लिए जन्माष्टमी पर दे देंगे उनको। ड्रेस उनके लिए लाई थी तो मैंने सोचा पगड़ी भी ले लें। और एक ये येलो पगड़ी, ये मेरे मतलब मेरे लड्डू गोपाल के नहीं है, मैं दूंगी किसी को देने के लिए लेके आई थी। एक ये येलो कलर की, तो इतने सारे कपड़े, लड्डू गोपाल की शॉपिंग हो गई। और सबसे बढ़िया बिहारी जी ने मुझे बुला दिया, आपकी बार बुलाते तो हर बार हैं मगर आपकी बार मुझे लग रहा था कि मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ, तो वो मेरा एक्सपीरियंस एक था, मैं बाहर जाके खड़ी हो गई कि अगर आप बुलाना है तो आप बुलाओ क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं पहुँच जाऊँगी। बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस, बढ़िया दर्शन हुए। और आज मैं दोपहर में आ गई थी, फिर रात में ही कल बस पकड़ ली थी, वहाँ से एक बस चलती है तो डायरेक्ट उन्नाव आती है, मथुरा से डायरेक्ट उन्नाव ऐसी बस चलती है तो उसमें आराम रहती है आने में। तो इस चक्कर में हम लोग कल रात में ही वापस आ गए थे क्योंकि पूरा काम हो गया था, दर्शन भी हो गए थे, परिक्रमा हो गई थी, सारे दर्शन भी कर लिए थे। और मुझे जाना था भांडेर बन, तो जो कच्चा मिट्टी वाला पुल है वो इस टाइम बंद कर रखा है, तो बहुत घुमा के ले जा रहे थे, तो रिक्शे वाले भैया ने बोला करीब 60 किलोमीटर पड़ेगा आना और जाना, तो फिर एक दिन पूरा और लगता। तो इस चक्कर में फिर भांडेर बन नहीं गए, मैंने सोचा चलो अगली बार जाएंगे क्योंकि हम लोगों का हर पूर्णिमा पर जाना होता ही है, मैंने सोचा चलो अगली बार जाएंगे। तो इस चक्कर में हम लोग कल क्या नाम कल रात में 10 बजे करीब 10:30 बजे बस मिल गया ना, नहीं 9:40 पे बस मिल गई थी। और 4:30 बजे सुबह हमारे बाईपास पे उन्नाव में आके उतार लिया था, तो बड़े आराम से दर्शन भी सारे हो गए और आराम से घर भी आ गए, लड्डू गोपाल की शॉपिंग भी हो गई। तो कैसी लगी हमारी सारी शॉपिंग लड्डू गोपाल की कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को फैन, ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे।